पोलीस प्रशासन मोठ्या प्रमाणामध्ये कार्यरत असतं लालबागच्या राजाच्या ठिकाणी, ते संसर्गित होऊ शकतात अशा पद्धतीने कुठेही या पद्धतीने कोरोनाचा जो प्रादुर्भाव आहे, जो संसर्ग आहे, तो कुठेही वाढू नये याच हेतूपोटी हा एक देश हितापर निर्णय घेण्याचा लालबागचा राजा कार्यकारी मंडळाने पूर्णपणे हा निर्णय यावर्षी आम्ही घेतलेला आहे. लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल इस साल 87वां साल में हम लोगों ने पदार्पण किया है. लालबाग के राजा का कोरोना के पार्श्वभूमि पर हमारा कल एक एनुअल जनरल मीटिंग हुआ जो जूम ऐप पर हुआ, और उसमें ऐसा निर्णय ले लिया है हम लोगों ने कोरोना के पार्श्वभूमि पर कि लालबाग के राजा की प्रतिष्ठापना इस साल में हम लोग करेंगे नहीं, बल्कि भाविकों का स्वास्थ्य नजर मद्देनजर रखते हुए, और यहाँ लालबाग का राजा ये लाखों करोड़ों भाविकों का श्रद्धा स्थान है, उसको मद्देनजर रखते हुए भाविक यहाँ आके संसर्गित ना हो जाए. पुलिस प्रशासन बड़े पैमाने पर लालबाग के राजा की यहाँ होती है, वो संसर्गित ना हो जाए, इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय इस साल में लिया कि लालबाग के राजा की मूर्ति की प्रतिष्ठापना इस साल में नहीं करेंगे. देश के हित में ये निर्णय होगा. मराठी उक्ति के हिसाब देश हा देव असे माझा, इस उक्ति के हिसाब हम लोग काम करेंगे. मगर सामान्य महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने भी आह्वान किया है कि गणेश उत्सव मुझे चुपचाप नहीं होना चाहिए, मगर हम लोग ये गणेश उत्सव आरोग्य उत्सव करके 11 दिन में मनाने वाले हैं. उसमें 10 दिन में मुंबई में जो भी शासकीय निमशासकीय अस्पताल है उसमें जितना भी ब्लड काम रहेगा, तो हम यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं 10 दिन में, तो वो करेंगे. उसके बाद प्लाज्मा डोनेशन थेरेपी मुंबई का अग्रगण्य आशिया खंड का KEM अस्पताल, उनके और हमारे संयुक्त विद्यमान से यहाँ प्लाज्मा डोनेशन अवेयरनेस वो हिसाब से हम करने जा रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि उसमें हमको बहुत सारा प्रतिशत मिलेगा और लोग आगे आके लालबाग के राजा का अनुकरण करके यहाँ प्लाज्मा डोनेशन के लिए आएंगे. उसके बाद जो आज पुलिस बांधव महाराष्ट्र के जो बंदोबस्त कर रहे हैं 4 महीने से आज अहोरात्र काम कर रहे हैं, जो शहीद हुए उसने, तो उनके वीर माता वीर पत्नी वीर जो एक फैमिली है सब, उनके प्रति हम लोग हमारी उनका सम्मान यहाँ 10 दिन में करने वाले हैं. आज चाइना बॉर्डर जब गलवान कोरे में जो शुरू है, हमारे आज सैनिक वहाँ लड़ रहे हैं, उनके बारे में उनके प्रति स्नेह रखते हुए जो शहीद हुए हैं उनके वीर पत्नी वीर माता के, तो हम हर साल लालबाग के राजा की याद करते आ रहे. आज जो 20 शहीद जो हुए हैं उनके जो कुटुंब है, उनके वीर पत्नी वीर माता, उनके लिए भी लालबाग का राजा प्रति स्नेह व्यक्त करते, उनके भी जब कुटुंब है उनका यहाँ सम्मान हम लोग करने जा रहे हैं. और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सन्मान्य उद्धव जी ठाकरे, इनके यहाँ पे सुपुर्द करते हुए 25 लाख का चेक कोरोना के पार्श्वभूमि पर लालबाग के राजा के यहाँ से हम लोग आज या कल में तुरंत वहाँ देने वाले हैं, ऐसा ये सब निर्णय हालांकि किया है. आज भी 50 दिन ये उत्सव को बाकी है, उसके बावजूद जो भी महाराष्ट्र और यहाँ मुंबई में जो कठिनाइयाँ होगी आरोग्य विषय, उसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर काम करेंगे कि लालबाग का राजा के संस्थे के ऊपर बहुत लोग की आशा आकांक्षा है. अब अभी भी बहुत सारा काम, यहाँ जब कोरोना की शुरुआत हुई तो 23 मार्च से 1 अप्रैल तक यहाँ रक्तदान शिविर किया, और यहाँ रक्तदान शिविर जो हुआ उसमें 1565 बॉटल यहाँ जमा हो गई थी. उसके बाद लालबाग का राजा का जनता क्लिनिक हुआ, उसमें भी बहुत सारा प्रतिशत आया. हम लोग का 50 दिन
अब लोगों का स्क्रीनिंग, ऑक्सीजन, ये सब चेकिंग करने के लिए यहाँ सब जोन में, एफसाउ जोन में हमारा काम हो रहा था। ऐसे हम लोग काम कर रहे हैं लोगों के लिए, और हम आशा करते हैं कि देश के प्रति हम लोग ये काम करते रहेंगे, क्योंकि देश अगर रहेगा तो उसको अगले साल में भी जोर शोर से मनाया जा सकता है।